हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल्स। तो पिछले दो वीडियो से हम पाइथन सीख रहे हैं। पहले हमने इंस्टॉल करना, फिर उसे ओपन करना, कैसे ओपन करते हैं ये सब, फिर उसके बाद कुछ बेसिक सीखे। अब हम उसी में कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले से अपना वर्क एरिया वही वाला ओपन करके रखा है जिसमें हम दो बार से काम कर रहे हैं, उसी में हम फिर आगे भी काम करेंगे। तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम डेटा को बार ग्राफ में देख के कैसे और अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो बार ग्राफ में डालने के लिए हम कोड कैसे लिखते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे SNS। SNS हम क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ये C बॉन्ड को हम SNS लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे डॉट और लिखेंगे हम काउंट प्लॉट। ये कोड्स हैं बार ग्राफ बनाने के लिए। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां लिखेंगे x, मतलब x इक्वल टू, मतलब x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या रहेगा? तो x एक्सिस इक्वल टू कॉमा ओपन करेंगे इन्वर्टेड, यहां लिखेंगे हम सर्वाइव। मतलब हम ये ग्राफ बना रहे हैं कि हम देख सके कि कितने सर्वाइव, मतलब जितने हमारे ये जितने भी डेटा में लोग हैं, मतलब पैसेंजर्स, ये टाइटैनिक के पैसेंजर्स के डेटा हैं, तो उसमें कितने लोग ये सर्वाइव में, जो वन है वो डेटा है कि लोग सर्वाइव्ड हैं और जो जीरो है वो डेटा है कि लोग नहीं बचे। तो हमें ये देखना है कि कितने सर्वाइव्ड है और कितने सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये एक्स पे आएंगे, आएगा काउंट ऑफ सर्वाइव। और उसके बाद अब हम लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे डेटा। डेटा कहाँ से उठाएंगे हम? df लिखेंगे यहाँ पे। df हम किस df से हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? अपना डेटा फ्रेम स्पेसिफाई कर रहे हैं जो हमने df के लिए अपना डेटा दिया titanic.csv का। तो बस इतना ही हमें लिखना है। अब हमें हमारे पास सर्वाइव्ड का ये आ जाएगा, बार ग्राफ आ जाएगा। अब हम इसे रन कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास लगभग 800 पैसेंजर्स हैं जो नहीं बच पाए और 500 लगभग पैसेंजर्स हैं जो बचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अच्छे से ग्राफ में समझ सकते हैं कि डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसी तरह हम एक और ग्राफ बना के देख लेते हैं और अच्छे से डेटा को समझते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे SNS डॉट, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने मेल पैसेंजर्स थे और कितने फीमेल। तो चलिए लिखते हैं SNS डॉट काउंट प्लॉट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू सेक्स और यहाँ पे हमें कॉमा दे देना था। इन्वर्टेड और फिर कॉमा देके हम लिखेंगे डेटा इक्वल टू df। बस अब हम इसे कर देंगे रन। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कितने फीमेल पैसेंजर्स थे और कितने मेल। तो लगभग 500 फीमेल थे और 800 से थोड़ा ज़्यादा मेल थे। चलिए अब हम इसमें और कुछ डेटा देख लेते हैं। हम इतने सारे डेटा इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए समझने में कि कैसे बार ग्राफ बनाते हैं और उससे कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं SNS डॉट काउंट प्लॉट, ब्रैकेट ओपन, x इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं p क्लास। p क्लास है कि क्लास पैसेंजर, किस क्लास में पैसेंजर्स, किस किस क्लास में कितने कितने पैसेंजर्स थे। तो यहाँ टोटल 3 क्लास है, क्लास 1, 2 और 3। अब 1 में कितने पैसेंजर्स थे, 2 में कितने पैसेंजर्स थे और 3 में कितने पैसेंजर्स थे, हमें ये देखना है।
यहाँ पे बस सिंपली x इक्वल टू ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लिखेंगे p क्लास और फिर यहाँ पे हम कॉमा देंगे और डेटा इक्वल टू लिखेंगे df बस और इसे हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारे फर्स्ट क्लास में 300 से थोड़ा ज़्यादा पैसेंजर्स थे, सेकंड क्लास में 300 से थोड़े कम थे और थर्ड क्लास में लगभग 700 पैसेंजर्स थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे दो डेटा को एक साथ मर्ज करके। जैसे हम देखेंगे कि पी क्लास में जैसे क्लास 1, 2 और 3, 1 में कितने पैसेंजर्स सर्वाइव्ड हैं और कितने नहीं बचे, 2 में फिर कितने सर्वाइव किए कितने नहीं किए और 3 में कितने सर्वाइव किए और नहीं किए। तो इससे मैं समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा किस क्लास में पैसेंजर सर्वाइव किए। तो इसके लिए हम लिखेंगे sns.countplot ब्रैकेट ओपन x इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लिखेंगे हम p क्लास, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कॉमा देंगे और फिर से हम अब यहाँ पे हम लिखेंगे h u e, ये होता है दो को मर्ज करने के लिए ये कोड होता है और ये लिखेंगे इक्वल टू फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखेंगे सर्वाइव और फिर हम पढ़ेंगे और कॉमा देंगे और लिखेंगे डेटा इक्वल टू df। और आपको एक चीज याद रखना है, जब तक मैं ना कहूँ कहीं भी अपने से एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ भी ना दे, ठीक है, और बस इसे रन कर दें। तो ये देखिए हमारा डेटा और अच्छा विजिबल हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डेटा, अब हम एक चीज और कर सकते हैं, इसमें हम इसे उल्टा कर सकते हैं तो क्या, तो डेटा और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए लिखते हैं sns.countplot ब्रैकेट ओपन x इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वाइव और यहाँ पे हम कॉमा देखे h u e इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखते हैं p क्लास फिर कॉमा देंगे और डेटा इक्वल टू df बस और इसे रन कर दे। तो ये देखिए इस बार क्या होगा, एक ही में ये तीन क्लास हो गए और ये सर्वाइव अनसर्वाइव के भी सब इसी में हो गए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जिस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करना और जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और काम कर सकते हैं, अब हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे जितने भी सर्वाइव्ड या अनसर्वाइव्ड पैसेंजर है उसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है, अगर हमें ये देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम लिखेंगे sns.countplot ब्रैकेट ओपन x इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सर्वाइव्ड फिर हम यहाँ पे कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे h u e इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेक्स फिर आगे बढ़ेंगे कॉमा देंगे डेटा इक्वल टू df बस और इसे हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारे डेटा यहाँ पे आ गया, कितने फीमेल है कितने मेल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट चीज, अब हम देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमें जो एज है, एज ग्रुप है, उसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे df और ये बॉक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे एज क्योंकि एज का हमें बनाना है। अब हम निकलेंगे बॉक्स ब्रैकेट के बाहर, यहाँ लिखेंगे डॉट प्लॉट
डॉट एच आई एस टी, ये हिस्ट हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम के लिए, ये हम डालेंगे कॉमा सॉरी ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे बी आई एन एस बिन्स इक्वल टू 20। ये स्पेसिफाई करता है कि हमें एक से दूसरे हिस्टोग्राम के जो वो बार्स होंगे उसमें कितना स्पेस होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए उसका। तो ये हो गया और बस हम इसे रन कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बार ग्राफ बनाना देखा, बार ग्राफ से कैसे डेटा को देख सकते हैं, किस तरीके से डेटा को और अच्छे भी कर सकते हैं, किस तरह हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी की फिर चीज़ें हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ उसे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।